आज के इस एपिसोड में इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इस शीट में जाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पहले बता दूं, जैसा कि हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपको अब समझ में आ ही गया हो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या है? ऐसे नाउन्स अब नाउन जब हम बोलते हैं तो आपको पता है इट्स अ नेमिंग वर्ड, उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे नाउन्स हैं ये जिन्हें हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते विदाउट फाइव सेंसेस, ऑलराइट। हालांकि मैं आज आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा ये चीज़ क्या है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट एक बहुत गजब का विषय है। ये अच्छे अच्छे पढ़ाने वालों को भी और बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंग्लिश के अच्छे जानकार हैं, उनके बीच में ये भ्रम भी पैदा करता है। यस, इट ब्रिंग्स इल्यूजन। कैसे लाता है? एक छोटी सी चीजों से समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या बोल देते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसे हम पांचों सेंस एक्सपीरियंस नहीं करते। एक बात बताओ, लाफ्टर को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि एब्स्ट्रैक्ट की जो कैटेगरी है, तीन कैटेगरी से निकल के आई है, और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। वर्ब से निकल के आई है, कॉमन नाउन से निकल के आई है, कॉमन नाउन से निकल के आएंगे, और ये एडजेक्टिव से निकल के आए हैं। ये तीन कैटेगरी से निकल के आए हैं। अब ये जो लाफ्टर वर्ड है ना, ये कहां से निकल के आया? देखो, लाफ से निकल के आया। लाफ का मतलब क्या हो गया? ये वर्ब से निकल के आया। अब इसी में हमने एक सफिक्स जोड़ दिया, सफिक्स जोड़ते ये बन गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आप शब्दों में सफिक्स जोड़ते हैं, ध्यान समझिएगा, जब आप वर्ब्स में, जब आप एडजेक्टिव्स में और कॉमन नाउन में सफिक्स जोड़ते हैं ना, इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। पहली चीज तो ये समझनी, सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि जब आप सफिक्स ऐड करते हैं इन तीन कैटेगरीज, ठीक है, तो ये बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहली अंडरस्टैंडिंग ये। दूसरा आपको ये समझना कि ये होते हैं अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन की एक और कैटेगरी होती है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो ये कौन सी कैटेगरी बिलोंग करते हैं? अनकाउंटेबल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये दो बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे आप गिन सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बोल दूं, हालांकि छोटी सी चीज है, समझने वाली चीज। काउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे आप गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल या अनकाउंटेबल की कैटेगरी से आते हैं। जब आप इसमें सफिक्स जोड़ देते हो ना, तो वो हो जाते हैं अनकाउंटेबल। अब मैं कुछ एक बातें हर क्लास में बोलता हूं, मैं फिर से आपको कह देता हूं। जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो थोड़ी सी समझने वाली चीजें हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन आपने कोई पढ़ाई आप कर रहे हैं, बैठे हैं और बहुत शिद्दत से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने पढ़ा काइंडनेस। अब ध्यान से देखिए, इस शब्द में, इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, इस वर्ड में जो काइंड वर्ड है ना, एडजेक्टिव है। काइंड में आपने क्या जोड़ दिया? नेस जोड़ दिया। आपने सफिक्स जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? आपने तुरंत बताया सर ने पढ़ाया, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अच्छा, यही चीज पढ़ते पढ़ते अगर अचानक आपने एक शब्द पढ़ लिया काइंडनेसेस, अगर आपने पढ़ लिया, अब जैसे ही आपने काइंडनेसेस पढ़ा, तो काइंडनेसेस पढ़ते ही आप मुझे कहने लगे कि सर आपने तो कहा था कि कभी इसका प्लूरल नहीं बन सकता, और आपने बना दिया इसका प्लूरल, और ये आपने पढ़ाया था कि अनकाउंटेबल होते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल तो बनते नहीं। तो याद रखना भाई, थोड़ा ध्यान से समझो, इसलिए बार बार बोलता हूँ, पढ़ाई को जब डेप्थ में करोगे ना और यहाँ से करोगे, थोड़ा समझ के पढ़ोगे, तो चीज़ें अलग दिखाई देने लगती हैं। हमें ये दुनिया किसी व्यक्ति को, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, मालूम है क्या? एक बार एक आदमी ट्रेन से जा रहा था, और जब वो ट्रेन से जा रहा था ना, तो उससे ट्रेन की आवाज़ आई, ठीक है। तो उसने, अब वो मुस्लिम था और वो दिन भर अल्लाह को याद करता था, तो उसने अपने दोस्त से कहा, यार इसमें से एक आवाज़ आ रही है। उसने अपने दोस्त से कहा, यार इसमें से एक आवाज़ आ रही है, तुझे सुनाई दे रही है? तो उसने उससे पूछा, आई एम नॉट गेटिंग यू, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहा। तो बोले, इसमें से आवाज़ आ रही है, या अल्लाह कर रहमत, या अल्लाह कर रहमत, ये आवाज़ आ रही है। जब ट्रेन चल रही है तो ये आवाज़ आ रही है, या अल्लाह कर रहमत। वो जो व्यक्ति उसका दोस्त था, वो हर दिन जिम जाता था और वो बहुत पैशनेट ट्रेनर था, ही वॉज अ वेरी पैशनेट ट्रेनर। तो उसने ध्यान से जब सुनने की कोशिश की, तो उसने कहा, नहीं भाई, आवाज़ ये नहीं आ रही है। तो उसने कहा, क्या आवाज़ आ रही है? उसका जो दोस्त था, जो मुस्लिम उसका दोस्त था, उसने कहा कि भाई क्या आवाज़ आ रही है? तो उसने बोला, इसमें से आवाज़ आ रही है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। कहने का अर्थ ये है कि आप जिस चश्मे से इस दुनिया को देखते हैं, आपको दुनिया वैसे ही दिखती।
तो जब वो चश्मे निकल जाएंगे और पढ़ना सीख जाओगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ आपने पढ़ लिया काइंडनेसेस, आप तुरंत सोचेंगे प्रियंक सर ने गलत पढ़ा, गलत नहीं पढ़ा है भैया, मैं ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता कभी और आपके चरण छोड़ूंगा मैं अगर ऐसा कर दिया। काइंडनेसेस जो आपने लिख दिया ना एक्चुअल में वो काइंडनेसेस नहीं है, वो होगा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये होगा एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अगर आप स्टेशन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्टेशन में उतरकर अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई तीन पानी ले आना, तीन पानी ले आना, तो इसका मतलब तो आपने उसे कह दिया ब्रिंग थ्री वाटर्स, आपने अपने दोस्त से कह दिया ब्रिंग थ्री वाटर्स, WATERS आपने कह दिया ब्रिंग थ्री वाटर्स, तो थ्री वाटर्स का मतलब वो थोड़ी ना तीन पानी ले आएगा, क्योंकि पानी के अनकाउंटेबल है, आप उसको गिन नहीं सकते। अब ये वाटर्स का मतलब यहां पर क्या है, हो सकता है बॉटल्स और वो कितने, तीन, हो सकता है पैकेट और वो कितने हैं, तीन, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कंटेनर और वो कितने हैं, तीन, इस तीन के कारण यहां एस लग गया, तो ये जो एस लग रहा है ना इसके कारण है, इसको आप प्लूरल बना रहे हैं, आप प्लूरल इसे नहीं बना रहे हैं, ये प्लूरल नहीं है। तो हमें कई बार ये चीजें समझनी पड़ती है, ठीक है, हमें ये चीजें समझनी पड़ती है। तो हमेशा याद रखना, कहीं अगर आपने पढ़ लिया काइंडनेसेस तो काइंडनेसेस नहीं है, ये प्लूरल नहीं हो रहा, आपने पढ़ लिया प्रोवोकेशंस, तुरंत समझ जाओ, देखो प्रोवोकेशन सफिक्स लगा ना शन, तो सफिक्स लग गया शन, ये हो गया अपसेट नाउन, अच्छा इसके बाद ये एस लगा, यहां एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन, ये है ऐसा कृत्य जिसने प्रोवोकेट किया किसी को, ठीक है, जिसने किसी को प्रोवोकेट, तो प्रोवोकेशंस नहीं है वो, एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैं हमेशा बोलता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो हमने तो कह दिया कि ऐसे शब्द जिन्हें हम पांचों सेंस से अनुभव नहीं कर सकते वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहां से हमें यह समझ में आ गया, देखो वर्ब है, वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया, TER, मतलब हमने सफिक्स जोड़ दिया, सफिक्स ऐड करते ही वो क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां समझ में आ गया। लेकिन कभी ध्यान से बैठ के सोचो, कभी पढ़ते हो तो किताबों में तो लिखा है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सोचोगे तो क्या आप लाफ्टर को अपने पांचों सेंस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक बार मेरे साथ बैठे बैठे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, हर किताब में लिखा है कि लाफ्टर जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम इस तरीके से पढ़ भी चुके, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ बहुत आसान हो जाएगा। लाफ वर्ब की कैटेगरी से निकल के आ रहा है, TER जो है उसमें क्या है, वो आपका सफिक्स है, तो लाफ्टर तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपने बता भी दिया। एक बात बताओ, क्या आप इसे सुन नहीं सकते, हंसी को हम सुन नहीं सकते, तो हम एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं बट स्टिल वो उस कैटेगरी में है। अब चलती रहेगी लड़ाई झगड़े, इन सारी चीजों में उलझते रहेंगे लोग, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा जिस तरीके से दिया गया है, ठीक है, लेकिन दिमाग तो कहता है, तो कभी कभी सोचते हैं बैठ के। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना है सबसे पहले कि सबसे आसान तरीके से अगर समझना है आपको तो एक तो ये कि आप सेंस से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, दूसरा आपको यह समझना पड़ेगा जब आप सफिक्स ऐड करते हैं इन तीन कैटेगरी में तो वो बनती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो छोटी सी आपके लिए प्यारी सी मैं शीट लेकर आया हूं और देख लेते हैं कि अब आप इसे आसानी से अटेंड कर पाते हैं या नहीं। देखिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर गोज लाइक दिस, ही इज अ मैन ऑफ, अब देखिए ध्यान से, यहां हमें एक वर्ड दिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव। अब इस स्ट्रॉन्ग वर्ड से यहां देखो एक है प्रेपोजिशन, मैं साथ साथ बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, हो सकता है इसका डिस्क्रिप्शन आपको आगे मिले मेरे सेंटेंसेस में, ठीक है, मतलब मेरी क्लासेस में आगे भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, कुछ एक चीज अभी बता दूंगा लेकिन आगे आपको समझ में आ जाए। एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, प्रेपोजिशन के आगे जुड़ने वाला शब्द होता है ऑब्जेक्ट। देखो मैंने क्या कहा, ये जो प्रेपोजिशन होते हैं ना, प्रेपोजिशन के आगे जो वर्ड आते हैं ना उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट भी तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होगा, इसका मतलब ये रहा प्रेपोजिशन, अपनी प्रेपोजिशन के आगे जो आएगा वो आएगा नाउन। अगर प्रेपोजिशन के आगे कुछ लिखा ना हो ना तो वो बेसिकली एडवर्ब होता है, ये आगे पढ़ेंगे जब डेप्थ में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज अभी ध्यान में रखना कि प्रेपोजिशन जो होते हैं, प्रेपोजिशन के आगे उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं नाउन, नाउन की जगह या तो कोई आ सकता है, वो कौन आ सकता है, प्रोनाउन, तो वो होगा नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। अब इस ऑफ के आगे मुझे कुछ लिखना है, अब यहां मैं जो भी लिखूंगा ना वो होगा नाउन। अब मुझे एक वर्ड दिया गया है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी को जिसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही इज अ स्ट्रॉन्ग
मैन। तो ये मैन हो गई आपकी नाउन। अब इसे डिस्क्राइब आप कैसे कर रहे हो इस वर्ड से स्ट्रॉन्ग से, तो ये हो गई आपकी एडजेक्टिव, ये वर्ड आपकी हो गई एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये जो मैन हो गया आपका ये कॉमन नाउन हो गया, और ये हो गई स्ट्रॉन्ग जो वर्ड हो गई, ये हो गया एडजेक्टिव। इससे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब ही इज अ मैन ऑफ, मुझे यहां कुछ लिखना है, ठीक है, इस वर्ड को लेकर लिखना है, तो इस एडजेक्टिव में मैंने कुछ जोड़ दिया और मैंने बना दिया स्ट्रेंथ। ही, मैंने इसे कह दिया ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस स्ट्रॉन्ग मैन, एक तरीका यह था बोलने का कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। अब मैंने इसी को दूसरे तरीके से कह दिया, मैंने कह दिया ही इज अ मैन और मैन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये हो गई आपकी, देखो फ्रेज, ये जो ऑफ स्ट्रेंथ है ना, ये ऑफ स्ट्रेंथ हो गई फ्रेज। पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे फ्रेज क्या होती है वो आप पढ़ चुके हो। तो ये हो गई आपकी ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहां ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, द पीपल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री लिव इन डैश। अब देखो एक वर्ड दिया गया है पुअर, एक वर्ड दे दिया गया है हमें पुअर। अब इस पुअर से जो कुछ बनेगा वो आएगा यहां पर। अब ध्यान से देखो, ये रही प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं नाउन या प्रोनाउन, यहां पर हमको नाउन चाहिए पुअर। तो पुअर से जो वर्ड बनेगा ये बना पॉवर्टी। तो पुअर से जो वर्ड बना ना पॉवर्टी, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। डैश टू एनिमल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब यहां जो भी आपको लिखना है ना वो आपको क्रूअल से बनेगा। अब देखिए, व्हाट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, व्हाट इज अ, तो व्हाट इज का आंसर पूरा यहां मिल रहा है, तो ये हो गई आपकी सब्जेक्ट। अब यहां हमें क्रूअल से जो वर्ड बनाना है वो बनेगा क्रूएल्टी। तो ये जो क्रूएल्टी हो गई ना, क्रूअल में आपने कुछ ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगी, चीजें आसान है भाई, थोड़ा पढ़ने का तरीका तो समझो। ही इज ऑन अ डैश, ही इज ऑन अ डैश टू मक्का। अब देखो ध्यान से, हमें वर्ड जो मिला है ना पिलग्रिम, इस पिलग्रिम से एक वर्ड बनाया हमने पिलग्रिमेज। ठीक है, वो तीर्थ यात्रा पर है, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। तो ये जो पिलग्रिमेज हो गए ना, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आई हैव ग्रेट डैश टू वेलकम यू, आई हैव ग्रेट। अब वर्ड जो मिला है मुझे वो क्या है, प्लीज, आई हैव ग्रेट डैश टू वेलकम यू, तो आई हैव ग्रेट प्लेजर। इसी से हमने एक वर्ड बना दिया और वो बन गई प्लेजर। तो प्लेजर हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डैश इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, और हमें वर्ड मिला है चाइल्ड। चाइल्ड क्या कॉमन नाउन होता है, तो डैश इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ, डैश इज द बेस्ट पीरियड ऑफ वंस लाइफ। तो इसी चाइल्ड में हमने कुछ मिला दिया, तो ये बन गया चाइल्डहुड। ठीक है, इसी चाइल्ड में हमने कुछ बना दिया, तो ये बन गया चाइल्डहुड। ठीक है, तो हुड मिला दिया आपने, तो हुड बनाते ही ये जो सफिक्स है, इसने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने इसे कन्वर्ट कर दिया कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डैश शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, यहां मिला है वेस्ट। ठीक है, हमें यहां मिला है वेस्ट, तो वेस्ट हो गई आपकी वर्ब की कैटेगरी। डैश शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड वेस्टेज, तो आपने इसमें कुछ मिला दिया, इसमें कुछ आपने ऐड कर दिया। सो वंस यू ऐड समथिंग इट बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज अ पेरेंट माई चिल्ड्रंस डैश इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू मी। अब यहां एक वर्ड मिला है हमें क्या, सेफ। तो सेफ से आपने एक वर्ड बना दिया सेफ्टी, तो ये हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज द सन वेंट बिलो द होराइजन डैश एनवेलप द प्लैनेट। अब वर्ड मिला है हमें डार्क, तो ये हो गई आपकी डार्कनेस। ठीक है, बिलो द होराइजन डैश एनवेलप डार्कनेस एनवेलप द प्लैनेट। देयर इज नो एंड टू हिज विकेड। अब देखो यहां वर्ड मिला है विकेट, विकेट से आपने बना दिया विकेटनेस, ये बन गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब विकेटनेस, इसका अर्थ जो होता है ना, दो होते हैं, एक तो ऐसे व्यक्ति को हम विकेट बोलते हैं जो बहुत मोरली बहुत खराब नेचर के होते हैं। ठीक है, मोरली इनका नेचर बिल्कुल भी सही नहीं होता। एक और होती है विकेट, विकेट के मतलब होती है ना, कई बार आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो होता तो नहीं अच्छा, बट उसमें हंसी जरूर आती है। कई बार आपके मजाक उड़ाने का ढंग ऐसा होता है जिसमें किसी को बुरा नहीं लगता, बट इनफैक्ट दे फील गुड, उसको भी हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ही हैज़ अ विकेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो उस सेंस में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो एक इस शीट से हमें समझ में आई कि अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं तो अगर आप उसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो आपको बनाकर क्या दे देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा सा
ध्यान से अगर इसी चीज को मैं फिर से समझने की कोशिश करूं, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो कुछ वर्ड्स मेरे सामने हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स मेरे सामने हैं, कोशिश करते हैं इसे बनाने का। अब देखिए ध्यान से, ब्रदर, चाइल्ड, फ्रेंड, किंग, लीडर, ये पांचों ही कॉमन नाउन है। ये पांचों ही, पहली बात तो ये कि कॉमन नाउन की कैटेगरी से निकले हुए शब्द है, ठीक है। तो हमने यहां ये जो नाउन लिखा ना, बेसिकली कॉमन नाउन। अब ब्रदर से आप क्या बना सकते हैं? ब्रदरहुड। चाइल्ड से आप बना सकते हैं चाइल्डहुड। फ्रेंड से बना सकते हैं फ्रेंडशिप। किंग से बना सकते हैं किंगहुड। लीडर से बना सकते हैं लीडरशिप। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमने इसे मिला दिया, हमने कुछ ऐड किया सफिक्स, और उससे क्या बन गया, उससे क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। मैन से आप बना सकते हैं मैनहुड। मेंबर से आप बना सकते हैं मेंबरशिप। मदर से आप बना सकते हैं मदरहुड। नेबर से बना सकते हैं नेबरहुड। और स्कॉलर से बना सकते हैं स्कॉलरशिप। सो दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए। बड़े ध्यान से अगर आप समझोगे तो बहुत चीजें आसान है। प्रैक्टिकली पढ़ते जाओ, आराम से सेशन को पढ़ते जाओ, बहुत ईजी लगेंगी चीजें। चलिए, एक्ट से आप क्या बना सकते हैं जिससे वो क्या बन जाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। एक्ट से आप ऐसा क्या बना सकते हैं जिससे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। देखो एक्ट से एक्टिविटी, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अपीयर, अपीयरेंस। बिहेव, बिहेवियर। बिलीव, बिलीफ। डाई, डेथ। डू, डीड। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट। तो आप बेसिकली क्या बना रहे हैं, फ्री, फ्रीडम। सी, यू आर एडिंग समथिंग। ग्रो, ग्रोथ। इनवाइट, इनविटेशन। जज, जजमेंट। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी से आई है, ये कैटेगरी से आई है, ये वर्ब की कैटेगरी से निकल गया है। तो आप जब इसमें कुछ बनाते हैं, ठीक है, इसमें कुछ आप जब बनाने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट डू यू डू, बेसिकली यू ऐड समथिंग। अब देखिए वर्ड मिल गया यहां पर, लाफ, लाफ, लाफ को हमने पढ़ा, लाफ्टर, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी है, इनको आप आराम से बैठकर आप भी खुद कोशिश करें। जैसे प्लीज, प्लीज से हमने अभी अभी सीखा प्लेजर। रिफ्यूज से आप बना सकते हैं रिफ्यूजल। तो ऐसा कोई भी वर्ड जिससे, जिसमें आप कुछ ऐड करें और ऐड करने के बाद आप उससे क्या बना दें, उससे आप बना दें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप मैरी, अब जैसे मैरी है, तो मैरी से आप क्या बना सकते हैं, मैरिज, ठीक है, मैरी से आप मैरिज बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप भी कोशिश करें। जैसे स्पीक है, स्पीक से आप क्या बना सकते हैं, आप कोशिश करें बैठ के। अब स्पीक आपको एक वर्ब मिल गई, ठीक है, स्पीक आपको एक वर्ब मिल गई। अब इससे आप क्या बना सकते हैं, आप एक बार आप भी कोशिश करें। चलिए 5-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। स्पीक से आप एक करस्पॉन्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए, जो भी उससे बनेगा उसे आप महसूस कर सकते हैं उसे आप, ठीक है। प्रैक्टिकली आप उसे छू नहीं सकते, प्रैक्टिकली आप उसे देख नहीं सकते, तो ऐसा क्या बन सकता है स्पीक से, स्पीच। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वर्ड को मैं बनाता जाऊंगा, आप भी कोशिश करें। थिंक से आप क्या बना सकते हैं, थॉट। तो आप कोशिश करें, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, इसको आप कोशिश करेंगे, ठीक। प्लीज ट्राई इट। आप थोड़ा देखो, सोचो, आप भी सोचो। यहां क्वेश्चन आंसर सेशन तो चल नहीं रहा, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सब बता दो, अरे बता तो देंगे ही, लेकिन आप भी ट्राई करिए ना। जैसे परमिट है, परमिट क्या बना सकते हैं, पर सोचो एक बार आप भी। 5 सेकंड में आपका मैं टाइम दे रहा हूँ, चलिए 5 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, सोचिए आप परमिट से क्या बना सकते हैं। चलिए अच्छी बात है अगर आपने बनाया कुछ तो। परमिशन, ठीक, परमिशन। कोशिश करिए। अब ये जो कैटेगरी हो गई ना आपकी, वर्ब की कैटेगरी हो गई और ये कॉमन नाउन की कैटेगरी हो गई। तीसरी एक और कैटेगरी एडजेक्टिव, सबको मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद इसको ट्राई करेंगे। दिस इज अ टास्क फॉर यू, तब तो आप सीखोगे, नहीं तो मैं खुद कराते रहूंगा तो फिर होगा क्या। अब जैसे एबल एक वर्ड हमें मिल गया, ठीक है, हमें इससे कुछ ऐसा बनाना है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। एबिलिटी,
एंग्री, एंग्री से बनेगा आपका एंगर. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से बन जाएगा आपका ब्यूटी. ठीक है, तो ये चीज है. अब जैसे ब्रेव है, देखिए एक व्यक्ति है वो ब्रेव है, तो हमने उसे इंग्लिश में कह दिया ही इज अ ब्रेव मैन. ही इज अ ब्रेव मैन, ध्यान समझना इस बात, हमने कह दिया ही इज अ ब्रेव मैन. अब ये जो व्यक्ति, ये हो गया आपका कॉमन नाउन और ये हो गई आपकी एडजेक्टिव. अब यहां से अगर मैं इस व्यक्ति के बारे में ना बात करके इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया क्या, ब्रेव. इस ब्रेव को जब मैं बोलता हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेवरी, व्हेन आई टॉक अबाउट ब्रेवरी, तो इसे आप फिजिकली देख नहीं सकते या छू नहीं सकते. तो ये जो वर्ड है ना, ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये हो गई अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट समथिंग, इट इज समथिंग, इट इज अ नेम ऑफ समथिंग. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सो इट इज अ नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन एक्सपीरियंस, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो तीन कैटेगरी से निकल के आते हैं, कॉमन नाउन की कैटेगरी से निकल के आते हैं, वर्ब की कैटेगरी से निकल के आते हैं और एडजेक्टिव की कैटेगरी से निकल के आते हैं. जैसे काइंड है, काइंड से आप क्या बनाते हैं, काइंडनेस. पढ़ो यार, बड़ा आनंद है पढ़ने में. लॉन्ग, लेंथ. ऑनेस्ट, ऑनेस्टी. ठीक है, तो ये कुछ कैटेगरीज हैं. यूनिक, यूनिकनेस. वीक, वीकनेस. ठीक है, वाइड, विड्थ. वाइस, विजडम. आप बनाएंगे घर में बैठ के आराम से. सो इट इज अ लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने आज पढ़ा, हमने आज सीखा, बहुत अच्छे से हमने सीखा कि बेसिकली जब हम इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो बनते हैं सफिक्स, और वो इन तीनों कैटेगरी से आए हुए शब्द को बना देते हैं करस्पॉन्डिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें आप छू नहीं सकते, बट इन्हें आप अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस दें, इन्हें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इससे आपकी कॉन्सेप्ट जो होगी एब्स्ट्रैक्ट की वो क्लियर होगी. So thank you very much and God bless you all.